विश्वकर्मा दिवस के पूर्व संध्या पर उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के तत्वाधान में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक डॉक्टर बालू केनचप्पा जी, अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग श्री अमित मोहन प्रसाद जी, मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक श्री शरद एस चांडक जी, कोऑर्डिनेटर एसएलबीसी श्री समीर रंजन पंडा जी, एमएसएमई विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी जो बैंकर्स हैं और प्रदेश भर से आए हुए सभी हमारे हस्तशिल्पी उद्यमी और प्रदेश में अपनी हुनर के लिए जिन्होंने और जिनके पूर्वजों ने प्राचीन काल से ही उत्तर प्रदेश को और देश को आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर किया है, ऐसे सभी हस्तशिल्पी और कारीगर उपस्थित भाइयों बहनों, सृष्टि के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जयंती की पूर्व संध्या पर मैं आप सबको विश्वकर्मा जयंती की हृदय से बधाई देता हूं। पूरे प्रदेश वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि सृष्टि के शिल्पी और नए भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन एक ही दिन पड़ रहा है। भगवान विश्वकर्मा ने अगर इस सृष्टि की रचना की है तो मोदी जी ने नए भारत की रचना में 140 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए भी व्यापक अपने विजन के माध्यम से भारत को एक नई दिशा की ओर अग्रसर किया है। और आज इसीलिए एक तरफ विश्वकर्मा जयंती और दूसरी तरफ नए भारत के शिल्पी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर, क्योंकि कल भारत की एक बड़ी योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी करेंगे जो हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए अत्यंत उपयोगी होने वाली है, उस दृष्टि से राज्य शासन के द्वारा संचालित इस योजना को पूर्व संध्या पर हम लोगों ने किया है। विभाग को इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और मैं इस अवसर पर अपने राज्य से जुड़े हुए सभी बैंकर्स को, यहां पे रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय समन्वयक भी आए हैं, क्षेत्रीय यहां पर निदेशक आए हैं, मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक और एसएलबीसी के साथ साथ हमारे बैंकर्स जो बैंक के महाप्रबंधक मुख्य महाप्रबंधक गण यहां पर उपस्थित हुए हैं, इन सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि आज इन्होंने प्रदेश के उद्यमियों के लिए प्रदेश भर में जहां कहीं भी प्रदेश सभी 75 जनपदों में जो कार्यक्रम चल रहे हैं जिनमें हमारे सांसद माननीय विधायक गण प्रदेश सरकार के मंत्री उन कार्यक्रमों में उपस्थित होकर के 50,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारता है। आपने देखा होगा
सन 2018 में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से परंपरागत उद्यम के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना प्रारंभ की थी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना उत्तर प्रदेश की एक अभिनव योजना थी। ये केवल प्रदेश के हुनर को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का नहीं था, उत्तर प्रदेश को निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में स्थापित करना भी था। और याद रखना, कोई भी बड़ा उद्यम, कोई बड़ा उद्योग तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि एमएसएमई का एक बेहतरीन क्लस्टर उसके पास मौजूद न हो। और उत्तर प्रदेश इस दृष्टि से सौभाग्यशाली है कि एमएसएमई का एक बहुत बड़ा आधार उत्तर प्रदेश के पास परंपरागत रूप से था, लेकिन उपेक्षित था, बंदी के कगार पर था, दम तोड़ रहा था। और तब 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हम लोगों ने परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना प्रारंभ की। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की इस योजना ने परंपरागत उद्यम में एक जान फूंकी, लाखों लोगों को इसके साथ रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य किया। और देखते ही देखते वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना पूरे देश की योजना बन गई। प्रधानमंत्री जी ने लोकल फॉर ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला इसको माना, और आज ये पूरे देश की योजना बन चुकी है। इसी प्रकार से सन 2019 में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हम लोगों ने अपने गांवों में निवास करने वाले, कस्बों में निवास करने वाले परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए नाऊ है, मोची है, धोबी है, बढ़ई है, राजमिस्त्री है, हलवाई है, स्वर्णकार है, इन सभी 17-18 जो अलग अलग प्रकार के हस्तशिल्पी और कारीगर गांवों में या कस्बों में निवास करते हैं, उसकी आवश्यकता, उस गांव को उसने, उसके पूर्वजों ने कभी आत्मनिर्भर बनाया था, लेकिन समय के अनुरूप लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी, लोग अपने तरीके से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। उन लोगों को उसके श्रम का उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा था। श्रम का सम्मान मिले और उसे हम प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकें, इसके लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना जनवरी 2019 में हम लोगों ने प्रारंभ की। मुझे प्रसन्नता है अब तक 1,00,000 से अधिक ऐसे कार्यकरों को, ऐसे हस्तशिल्पियों को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया, उन्हें ट्रेनिंग दी, उन्हें टूल किट उपलब्ध करवाया, उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहित करने का कार्य किया। मैं भी पूछ रहा था, एक नौ प्रशिक्षण लेने के बाद टूल किट प्राप्त किया, टूल किट प्राप्त करने के बाद मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बताओ कितना पैसा लेते हैं? उन्होंने बताया बाल बनाने का 40 रुपया, दाढ़ी वगैरह बनाना हो 30 रुपया, लेकिन गांव में अगर कोई व्यक्ति सामान्य रूप से करता है तो पेड़ के नीचे या किसी चौराहे पे जमीन पे बैठ के करता है, कोई 5 रुपया देता है, कोई 5-7 रुपया देता है, ऐसे दे करके उसको छुट्टी कर देता है। लेकिन अगर यही नौजवान सैलून बनाने का काम, सैलून बना ले और सैलून बना करके थोड़ा सिस्टम के साथ उसको जोड़ दे तो पैसे की झड़ी लग जाएगी उसके पास, तब उसको 5 रुपये 7 रुपये में नहीं, मुझे लगता है 100 रुपये से कम में उसका काम नहीं चलेगा। 100 रुपया उसको तत्काल मिल जाएगा, कोई भी जाएगा 100 रुपया देगा वहां पे उसको, उसके श्रम का सम्मान हो रहा है। और श्रम को सम्मान के साथ जोड़ने का ही ये कार्यक्रम विश्वकर्मा श्रम सम्मान के साथ जोड़ा गया था, और कल इसको एक बड़े स्केल में पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री
विश्वकर्मा योजना के रूप में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से योजना कल प्रारंभ होगी। भाइयों बहनों, ऐसे ही कारीगरों का है, हमारे पास बढ़ई है, बहुत अच्छे अच्छे बढ़ई है, अच्छा फर्नीचर देते हैं, घरों के सभी काम उन्हीं के माध्यम से होता रहा है, लेकिन समय के अनुरूप उनको डिजाइन नहीं मिल पाई, टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाई। परिणाम क्या था? कोई वहीं तक सीमित रह गए। उनके हुनर की कीमत लोगों ने नहीं पहचाना। परिणाम क्या था? वो अपने गांव तक सीमित हो गया। अगर हम उसको डिजाइन दे दें, उनकी ट्रेनिंग दे दें, उस प्रकार के टूल किट उपलब्ध करवा दें, फिर उन्हें हम मार्केट के साथ जोड़ने का कार्य कर दें, उनके लिए शोरूम बनाने के लिए पैसे में सहयोग करवा दें, क्यों नहीं वह किसी इटली के बड़ी कंपनी को फेल कर दे? अवश्य कर देगा, क्योंकि यह हुनर इसके पास है। जो परिश्रम करेगा, जो पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ेगा, उसके लिए दुनिया की कोई चीज असंभव नहीं। असंभव शब्द उन्हीं के लिए आता है जो पुरुषार्थहीन है, जो परिश्रम से भागता है। हमारा कारीगर, हमारा हस्तशिल्पी परिश्रम करता है, पसीना बहाता है, बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करता है, उसको उस प्रकार का प्लेटफॉर्म चाहिए। और ये दोनों योजनाएं, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना हो या फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना, ये दोनों हमारे परंपरागत उद्यमियों को, हस्तशिल्पियों को, कारीगरों को आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म है, आगे बढ़ने का एक अवसर है। और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है बैंकर्स का। बैंक, एक तो मैं हमेशा से इस बात को मानता हूं कि छोटी पूंजी कभी डूबती नहीं। एमएसएमई के लिए जो लोग अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए सरकार को भी बहुत ज्यादा हायतोबा नहीं मचाना होता है। बड़ा उद्यम लगाना होता है तो उसके लिए लैंड की आवश्यकता पड़ती है, लैंड बैंक बनाना पड़ता है, वहां पर तमाम प्रकार की सुविधाएं देनी पड़ती हैं। एमएसएमई के किसी यूनिट के लिए या विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े हुए किसी भी कार्य के लिए व्यक्ति अपने छोटे से उसके माध्यम से एक अच्छी व्यवस्था आगे बढ़ा सकता है। पूंजी भी कम लगती है, लेकिन सब एमएसएमई यूनिट में या विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े हुए जितने भी हस्तशिल्पी कारीगर हैं, अभी जो व्यक्ति नाव का काम कर रहा है अकेले करेगा, लेकिन अगर वो सैलून खोल देगा और सैलून में चार पांच कुर्सी लगा देगा, तो एक व्यक्ति अपने साथ कम से कम 5 से 7 नए लोगों को रोजगार दे सकता है। यानी कल तक जो व्यक्ति स्वयं भटक रहा था, आज 5 से 7 नए लोगों को अपने साथ ट्रेनिंग दे करके और उनको अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर सकता है। और मैं देख रहा था यहां पे महिलाएं भी उसमें पीछे नहीं है, वे भी उस ट्रेनिंग के साथ जुड़ी और उनको भी लगा कि नहीं, हम भी अच्छा काम कर सकती हैं। उन्हें टूल किट वितरित हुआ, उनको ऋण भी उपलब्ध हुआ। और मैं बार बार कहता हूं, इसीलिए मैंने इस बारे में एमएसएमई विभाग से कह रखा है कि भाई दोनों योजनाएं बहुत अच्छी योजनाएं हैं, हमारा प्रयास होना चाहिए। भाई कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो पहले ही दिन से उसको मुनाफा नहीं होता, पहले दिन से मुनाफा नहीं होता उसे, मुनाफा आने में थोड़ा समय लगेगा, दूसरा उसकी पूंजी भी है, उसको बैंक का कर्ज वो पूरा कर सके, इसके लिए हम उसको प्रोत्साहित करें, उसकी ट्रेनिंग डिजिटल पेमेंट के साथ उसको जोड़ना है। दूसरा, हम एक व्यवस्था और कर सकते हैं कि जैसे ट्रेनिंग के दौरान, पहले हम लोगों ने कहा भाई ट्रेनिंग के दौरान, क्योंकि वो रोज कमाने खाने वाला व्यक्ति है, इसलिए प्रयास होना चाहिए कि ट्रेनिंग के दौरान उसको निश्चित मानदेय भी मिले, जिससे उसके बच्चे भूखे न रह सके। और हर ट्रेनिंग के साथ उस परिवार को मानदेय दिया जाता है, ट्रेनिंग के उपरांत टूल किट और सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जाता है, और टूल किट और सर्टिफिकेट
उपलब्ध करवाने के बाद फिर इस प्रकार के लोन मेले के साथ उन्हें लोन उपलब्ध करवाने का कार्य है। लेकिन अभी एक कार्य बाकी है कि जो लोन में ब्याज लगता है इस ब्याज पर उन्हें सब्सिडी सरकार से उपलब्ध हो। अगर किसी व्यक्ति ने 5 लाख रुपया लिया है और 5 लाख रुपये में उस व्यक्ति पे अगर 25,000 या 30,000 रुपये का इंटरेस्ट आया है तो हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि अगर डिजिटल पेमेंट से उस व्यक्ति ने अपना समय पे किस्त जमा की है तो इस 30,000 की राशि में एक राशि एक हिस्सा राज्य सरकार वहन करे, राज्य सरकार उसको सब्सिडी दे जिससे वह ब्याज के उससे मुक्त होकर के मूल धन की तरफ आगे बढ़ सके और उससे इन कारीगरों को काफी प्रोत्साहन होगा और बैंकर्स को भी सुविधा होगी, बैंक को भी अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसको अगर हम तेजी से कर सकेंगे एक दूसरा प्राथमिकता के आधार पर एमएसएमई यूनिट को और हस्तशिल्पी और कारीगरों को ग्राम पंचायत के अंदर हम लोग 58,000 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय का निर्माण कर चुके हैं, उसके पास ही एक हॉट का निर्माण करना बन सकता है गांव में। बड़ी ग्राम पंचायत, अब तो बड़ी बड़ी भी ग्राम पंचायतें हैं, 5,000-10,000 की आबादी का ग्राम पंचायत है। बहुत सारी ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनके पास अपना एक बड़ा कस्बा भी है, वहां पर हम बना सकते हैं अलग अलग प्रकार के कार्य। एक जगह कोई बढ़ई है उनके लिए शोरूम का निर्माण का कार्य, एक जगह हम लोग किसी के लिए वहां पर सैलून का कार्य हो सकता है, कहीं पर किसी अन्य के लिए और भी काम हो सकता है, हलवाई भी अपना काम कर सकता है, वहां दिन भर अपना मिठाई और चाय भी बेचे, समोसा भी बेचे और साथ साथ जब शादी ब्याह का कार्यक्रम होता है उस समय भी वह आराम से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता है। लोगों के यहाँ किराए पे भी कुछ लोगों की ट्रेनिंग करवा करके, क्योंकि अब हलवाई का काम तो वही करेगा जो व्यक्ति रोज इससे जुड़ा हो, पता लगा साल में एक दिन ही व्यक्ति हलवा या पूड़ी बना रहा है और बनाने के लिए गया उल्टा कर दिया है, तो उसके बेचारे जिसके यहाँ शादी ब्याह होगा या कोई कार्यक्रम होगा तो उसका पूरा उल्टा हो जाएगा, इसलिए उसकी ट्रेनिंग उसके साथ जोड़ना। बिक्री भी होगी, हर दिन उसकी कमाई भी होगी, केवल सीजनल नहीं रह पाएगा, वह नियमित रूप से इस प्रक्रिया का हिस्सा बना हुआ है और इसके लिए भी राज्य सरकार के स्तर पर कार्रवाई हो रही है। अभी कल जिस स्कीम को प्रधानमंत्री जी लॉन्च करेंगे उस स्कीम को के साथ हम विश्वकर्मा श्रम सम्मान को कैसे जोड़ सकेंगे, इन सबको आगे बढ़ाने का कार्य होना है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया, तेजी के साथ इस पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि एमएसएमई ने उत्तर प्रदेश को एक पहचान दी, उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मदद की,